हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिपेयर करने वाले हैं एक बुश कंपनी की सीआरटी टीवी को। दोस्तों, ये टीवी जो है कि फाल्ट को लाने के लिए मैं 4 घंटे चलाना पड़ा दोस्तों, सिर्फ आपके लिए कि मैं आपको इसके बारे में बता सकूं। ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा है दोस्तों कि जब इसमें 4 घंटे, तो इसको 4 घंटे कभी तो 1-1 घंटे में हो जाता है, लेकिन आज जब मैं आपको दिखाने लाया तो ये 4 घंटे चलाना पड़ा इस फाल्ट को लाने के लिए। तो प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जो है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको हमारे इस चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, मतलब वीडियो की। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर करिए जो इसके लायक हो, ठीक है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको इसमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देख लीजिए, प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो टीवी देख लीजिए, काफ़ी बारीक सा फाल्ट है, फाल्ट खोजते रह जाएंगे जल्दी, ये सही नहीं हो पाएगा। एक बार देख लीजिए, प्रॉब्लम ये है, टीवी चल रही है, अगर इसमें साउंड लगा दिया जाए स्पीकर तो स्पीकर भी ओके है। तो एक मिनट, मैं जरा चैनल चेंज करता हूँ, क्योंकि ये कॉपीराइट आने का चांस है। तो पूरी मेहनत पे हमारी वाट लग जाती है जब कॉपीराइट का चांस आ जाता है। तो यही प्रॉब्लम है, पिक्चर जंप कर रहा है, इसको हम सही करने वाले हैं। कैसे सही करेंगे तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो फिर दोस्तों, टीवी आपके सामने चल रही है, कुछ आपको ये अंदाज लग रहा है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से होगा, कुछ गेस कर पा रहे हैं आप? कमेंट करिए इस फाल्ट को कि मेरे बताने से पहले आप इस फाल्ट को पकड़ पाए या नहीं। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो इसमें ये प्रॉब्लम दोस्तों, पिक्चर झिमझिम भी करें या फिर जो भी आप बोल सकें उसको बोल सकते हैं कि लाइनिंग वगैरह जो है कि बन रही है काफ़ी ज़्यादा। तो ये वाली पिक्चर जैसे कम भी हो रहा है, फिर तुरंत ज़्यादा भी हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है ना। तो ये काम कौन सी आईसी करती है, पिक्चर फैलाने का काम हमारी वर्टिकल आईसी 78040 करती है। तो गेस था कि नहीं आपको? तो यही करना है, सबसे पहले इस आईसी को चेंज करना है, क्योंकि इसमें कोई कंपोनेंट जैसे ये आपका रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर, इसको अभी नहीं कह सकते ख़राब, क्योंकि मेन में इसमें हमारा आईसी लगा होता है। तो बंद करते हैं, और ये हमारा 3807, तो इसमें 3807 तो लगे हैं, बट उससे पहले हमको ये जो इसकी वर्टिकल आईसी है इसको ही चेंज करनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर बाद, ये मैंने आपको बताया ना, 4 घंटे बाद या कभी 1 घंटे बाद। तो कस्टमर के यहाँ तो कह रहा है कि हमारे यहाँ घंटे बाद, आधे घंटे बाद झिमझिम करने लगता है, टीवी लगवाने लगती है, उनकी बोलने के मुताबिक, एक तरीके से उनका बोलने का ये है, ऐसे कर रहे हैं वो। तो हम लोग जो भी फाल्ट को समझें तो ये समस्या है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसकी वर्टिकल आईसी को मैंने खोल लिया है, ठीक है, खोल के अब मैं इसमें एक वर्टिकल आईसी नई लगाता हूँ और देखते हैं क्या यह समस्या होती है या नहीं। तो तुरंत ही थोड़ा जल्दी का करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय हम नहीं देंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। और सुबह से चल भी रही है टीवी, तो काफ़ी ज़्यादा हीट भी हुई है, तो जल्दी ये ठंडी होने वाली नहीं है। तो मैं फ़ैन को बंद कर देता हूँ ताकि ये ठंडी ना हो पाए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे हम। चलिए, फ़ैन बंद हो चुका है, तो आईसी को निकालते हैं, यही आईसी है हमारी। अभी हीट हो चुकी है ना दोस्तों, तो ये तुरंत ही फाल्ट ही आता रहेगा। तो ठीक है, आईसी को मैं अभी निकाल रहा हूँ बाहर, पिन मुड़े हुए हैं इसके, तो मैं इसको सीधा करके साफ़ कर रहा हूँ। तो अभी नई सर्किट दोस्तों, नई टीवी ही है, सर्किट की क्या बात करें, तो गारंटी में भी है, लेकिन थोड़ा सा न जाने के कारण मार्केट, तो हमने इस फाल्ट को सही किया, किस तरह से आप खुद देख सकते हैं, सही कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, आपके सामने ही। तो ये आईसी निकल चुकी है, 78040 वही है, देखते हैं। उससे पहले ये अपना हम क्लियर कर लेते हैं, ये नंबर देखिएगा क्या नंबर है, कैमरा यार। तो चलिए, ये आज नहीं आने वाला, क्योंकि लाइट बहुत ही कम है हमारे इस समय शॉप पर। तो अब आ चुका है लाइट सेटिंग में, तो भले आपको अब दिख जाए। तो ये 78040 वर्टिकल पे होती है, नॉर्मल सर्किट है, तो वही होगा,
वही होता ही है। तो लगा लेते हैं 78040 की आईसी, और मैं पहले निकाल तो लूँ फिर लगाता हूँ। यल 78040, तो ये रही हमारे पास हमारी आईसी। तो एक को मैंने निकाला और एक को ही लगाएंगे। तो लगा लेते हैं थोड़ा इसको पिन को होल में डाल के। तो स्क्रू टाइट कर लेंगे। तो ये दूसरा स्क्रू मैं लगा रहा हूँ, सीधा कर लेते हैं। ठीक, ठीक है दोस्तों। तो ये आईसी हमारी टाइट हो चुकी है। अब बारी आती है सोल्ड करने की। सोल्ड कर लें इसको काफ़ी अच्छी तरह। तो ये सोल्ड हो चुका है, ठीक है, क्लियरिटी के साथ। मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी दूरी थी और हमारे आपके बीच। तो ऐसे ही हो चुकी है, लग चुकी है। तो लगाते हैं फिर से इसको पावर में और देखेंगे क्या यह समस्या आप सही होती है या नहीं। तो सभी जैक लगा लें, तो लगा ही लेते हैं। सभी जैक को निकाला है तो लगाना पड़ेगा ही। ठीक है, यहाँ पे ये भी का जैक, आरसी लीड भी लगा लेते हैं। तो आ चुके हैं डिस्प्ले पे। अब दिखाते हैं लगा के पावर में क्या रिस्पॉन्स है। वायर रही तो वायर को लगाते हैं पावर में। पावर लगाई गई, क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपके सामने दोस्तों। आपके पिक्चर आने वाला, अगर सही होगा तो ठीक। तो ये देख सकते हैं पिक्चर आपकी अब कैसी है, कुछ समझ में आ चुका है आपको। तो थोड़ा देर इसको चलाया भी जाएगा, लेकिन ये समस्या दोस्तों हमारी ये यहीं पर सही हो जाएगी, क्योंकि इतना तो एक्सपीरियंस है दोस्तों कि ये हम अंदाज सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ से थी, वर्टिकल आईसी, तो चेंज की गई और ये हमारा सही हो गया। पिक्चर थोड़ा ज़्यादा ब्लर में है, तो इसको मैं सीधा थोड़ा एसटी से सेट कर लूँ। ठीक है, सेट है अब। तो प्रॉब्लम सही हो चुकी है। फैन को बंद भी कर दिया था ताकि हमारी ये हीटिंग जो है कि रहे, हीटिंग ना जाने पाए। कोई मैं एक चैनल लगा के न्यूज का छोड़ता हूँ पूरी स्क्रीन पर। तो पूरी स्क्रीन पे है, एक ही लीड लगा इसलिए ऑडियो नहीं आ रहा है। तो वो प्रॉब्लम हमारी ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो देख सकते हैं प्रॉब्लम हमारी सही हो चुकी है, कोई भी समस्या इसमें नहीं है। आपके सामने ही है, पहले कैसा था अब कैसा है, खुद देख सकते हैं आप। छोटे से प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा आपको इसको सही करने में। तो थोड़ा सा गेस किया करिए अपने ऊपर, कैसे इसको सही किया जा सकता है, कहाँ से किस सेक्शन का फॉल्ट है, कुछ उसको समझने का प्रयास करें। तो काफ़ी आसानी से इसको कर सकते हैं आप सब खुद। तो दोस्तों हमारी ये समस्या सही हो चुकी है, इसलिए तो हम वीडियो हमारा बस यहीं तक। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लाइक करना दोस्तों, एक लाइक से आपका जो है कि कुछ जाएगा नहीं, बस हमारा सपोर्ट करते रहिए। और हमारे चैनल को दोस्तों, इसलिए मैंने अभी तक इस पे इस चैनल पर कोई भी पे की सुविधा नहीं बनाई हुई, बिल्कुल फ्री का चैनल हमारा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसका लुत्फ उठाइए, बिल्कुल फ्री हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करना है और फ्री का मज़ा उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो भी समस्या हो आप सब हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब पढ़ते हैं और देते हैं। जो भी मुझे आता रहेगा मैं आप सबको बताने का प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, तो यह भी वीडियो को एंड करते हैं। हमारा टीवी सही हो चुका है बिना किसी समस्या के, प्रॉब्लम सही है, देख सकते हैं।
तो ठीक है, मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।